इंदौरी महिला मंच उद्यमिता मेले में फूड जोन भी था। इस फूड जोन में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगे हुए थे। इंदौर शहर में अमाड़ी की भाजी अब बड़ी आसानी से उपलब्ध है। पूनम की रसोई पर दीपावली जो फेस्टिवल का टाइम है, त्यौहार का समय है, इसमें आप देखें अनारसा मिक्स भी है, चकली मिक्स भी है, और जो भी घर में लगता है महिलाओं को वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं पूनम की रसोई। बदेहाल, मैं पूनम पगार है पूनम की रसोई से। ये जो आपने देखा हमारे सारे प्रोडक्ट शुद्धता से बने हुए हैं, घर के बने हुए हैं सब, और आपको जब भी चाहिए घर से ले सकते हैं। निमाड़ का प्रसिद्ध कसार, चावल का, चकली का आटा पाने के लिए संपर्क करें आप। मैं रहती हूँ और 132 का लक्ष्मण नगर देवास में यह उपलब्ध हो सकता है। नंबर 9425047701। मेले में आए हैं तो चाट का आनंद ज़रूरी है। पानी बताशे अलग अलग फ्लेवर में। इंदौरी चाट हाउस है हमारा, इसमें दाल पकवान है, ये हाजमा जो पानी है रेगुलर है, ये लहसुन का पानी है, खट्टा मीठा पानी पूरी है, मतलब मेले में चाट का आनंद। बिल्कुल, आप सभी अच्छे से आनंद लीजिए, आइए। महिम जी कैटरर्स मांगलिक कार्य के लिए या किसी भी कार्य के लिए संपर्क कर रहे हैं 7000005839 पर राजवाड़े पे। उसके अलावा साइड में कैटरिंग का भी काम है, 30-40 आदमी का भी करता हूँ मैं, घर से बना के पहुँचा देता हूँ। और केवल आपको परसना बाती पानी पत्तल दोने सब मेरे रहेंगे, और समाज वालों के लिए विशेष सुविधा दूंगा। टेस्ट है आज का, अगर लेना चाहें यहाँ के मेले के आनंद में अपनी रसोई, अमाड़ी की भाजी 50 रुपये में, गुरुदेव पापड़ जिसकी गूंज अभी विदेश तक है, इनके टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त दम है, और अभी बहुत सारे लोग गुरुदेव पापड़ को लाइक करते हैं। मेरा श्री गुरुदेव पापड़ आज MP तक तो गाया ही गाया, पर आप ND भाइयों के बंधुओं से सहयोग से आज मेरा विदेश जर्मनी में भी पापड़ गया। आपका सहयोग एवं आशीर्वाद बना रहे, एक बार आप भी सब भाई लोग सेवा का जरूर मौका दीजिए। श्री गुरुदेव पापड़। मेले का पानी पूरी कौन कौन से फ्लेवर हैं? जी खट्टा मीठा, केवल खट्टा मीठा, बहुत बढ़िया। पर खुशबू और टेस्ट लोग चटकारे लेकर खा रहे हैं जी, धन्यवाद उसके लिए। दुर्गा पीपल एंड पापड़ सेंटर, ऑर्डर देने पर भी यहाँ बनाए जाते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट उपलब्ध रहेगा पापड़ में। जानते हैं कैसे उपलब्ध कैसे होगा। श्री कृष्णा, मैं तो ज्योति चौरे इंदौर से, वैसे मेरा जो नाम है दुर्गा है, और मैं साई कृपा कॉलोनी में रहती हूँ एवं लक्ष्मी नगर में। आचार, हर तरह के आचार, चिप्स, कुल्ली, पापड़, जो भी आप लोगों को चाहिए वो ऑर्डर के उससे भी बनाती हूँ। होममेड एगलेस केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, ऑर्डर दीजिए, बनवाइए, और घर पहुंच सेवा कैसे होगी इसलिए जानते हैं इनकी ऑनर से। शर्मा सिलिकॉन सिटी से, ये सारे होममेड एगलेस केक है जो फ्रेश ऑर्डर पे ही बनाए जाते हैं। अगर आपको ऑर्डर करना है तो 8959283463 पे ऑर्डर कीजिए और फ्रेश होममेड एगलेस केक परचेस कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको बनवाना है आप बनवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस नंबर पे आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और एगलेस केक का ऑर्डर दें। मीनाक्षी शर्मा जी ने यहाँ पर मोदी केयर का पूरा एक रेंज लगाया हुआ है, जानना चाहते हैं मीनाक्षी जी कब से मोदी केयर के इस नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और समाज में कैसे हेल्प हो सकती है।
सभी को नर्मदे हर। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं इस मोदी केयर के बिजनेस को पिछले 2 साल से बिल्ड कर रही हूँ। और ये मैं ये बिजनेस से अपनी समाज के जितने भी उन्हें रोज़गार मिल सके और उनको मैं इस बिजनेस में ला सकूं। और इससे बहुत इसमें इस बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सारे फ्रीडम है, अपन अपने को सब कुछ चीज़ें इसमें मिलती है और ये सोर्स ऑफ इनकम का एक अच्छा बिजनेस करने का अच्छा जरिया है। थैंक यू। IMC की पूरी रेंज इंदौर में लेने के लिए श्रीमती अनुराधा जी से आप संपर्क करें, जानना चाहता हूँ कि ये कैसे और कहाँ मिलेगा। बोलो। मेरा नाम आराधना मनोज कुमार शर्मा है, मेरा हस्बैंड है और 102 सद्धाश्री कॉलोनी में मैं निवास करती हूँ इंदौर में। तो IMC कंपनी हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, WHO प्रमाणित है, स्वदेशी कंपनी है। मैं इसमें आपको पूरा हेल्थ प्रोडक्ट पूरा मिल जाएगा, पूरा हर प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, होम प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और खेती के लिए भी हमारे पास ग्रोथ बूस्टर एक्टिवर मिल जाएगा, चाय पत्ती वगैरह घर में जो सारे प्रोडक्ट हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सारे मिल जाएंगे आपको। RO से संबंधित अगर सेल्स एंड सर्विस का भी हमारा बिजनेस है, कम्प्लीट है। इसमें हमारा एक मेन प्रोडक्ट है श्री तुलसी जो 220 बीमारी पे चलता है। ये प्रोडक्ट हर प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट है इसमें, एलोवेरा, गोमूत्र, एलो ज्योति, शुगर के लिए। मोदी पारमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री JP शर्मा जी भी हैं यहाँ पर उपस्थित। JP भैया, आपसे जानना चाह रहा हूँ इस कार्यक्रम के बारे में, बताएं आप। पहले तो सभी को बधाई हो जितने भी स्टॉल यहाँ पे लगे हैं, मेरी माता बहनें और कुछ बाहर के लोग आए हैं, उनको बाहर से भी लोग आए हैं काफ़ी यहाँ पे। और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन तो हर वर्ष होना चाहिए और ये तो ऐतिहासिक है। वैसे महाराष्ट्रीयन परिवारों में ऐसे आयोजन होते रहते हैं, ये पहला अवसर है यहाँ पे धर्मशाला में जिस प्रकार से यहाँ आयोजन हो रहे हैं। और बहुत बधाई के पात्र हैं यहाँ के उद्योग जो संभव हो रहा है। और आत्मनिर्भर ब्राह्मण समाज आत्मनिर्भर उद्योग मेला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये है इंदौरी नर्मदीय महिला मंच का जुनून। इस बरसती बरसात में, आज का दिन बड़ा बारिश भरा रहा, इस बारिश में देखें ये हमारे समाज की महिलाओं का जुनून है, जोश है, जो इस कदर इस मेले को सफल बनाने में मददगार रहा। इंदौरी महिला मंच की जो पूरी टीम है इस समय मंच पे उपलब्ध है और मैं जानना चाहता हूँ कि इस मंच से आप लोगों ने क्या मैसेज देने का प्रयास किया और वो मैसेज समाज में महिलाओं को कहाँ तक लेकर जाएगा। नर्मदे हर, इस आयोजन के द्वारा हमने महिलाओं के स्वरोजगार को उन्नत बनाने का और उनको उत्साहवर्धन करने का प्रयत्न किया है। और आज हमारे जो आयोजन है, हमारा जो मेला है उद्यमिता मेला, उसमें इंदौर और इंदौर से बाहर की भी काफ़ी महिलाएं आई हैं अपने उत्पाद लेकर के। तो बहुत अच्छा आयोजन रहा और बहुत अच्छा प्रतिसाद रहा और समाज का बहुत सपोर्ट रहा कि बहुत लोग आए और उन्होंने महिलाओं के उत्पाद खरीदे और बहुत हमारा उत्साहवर्धन किया। और आज जो हमारे महासभा के नवनिर्वाचित तीनों अध्यक्ष थे, उन्होंने भी आकर के हमारा बहुत हौसला बढ़ाया। तो बहुत खुश हैं हम सभी कि आज हमारा आयोजन बहुत सफल रहा। इस आयोजन की सफलता को सर्वप्रथम वीणा मंडलोई जी को श्रेय देती हूँ और उससे भी पहले आशा चौरे जी ने जो स्थापना करी थी तो उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने नींव बनाई थी और इन्होंने अभी सेंटरिंग कर दी उसके और उस पर छत डलेगी और बहुत सुंदर भवन तैयार होगा हमारा उद्यमिता सम्मेलन। तो ये मेरा सभी बहनों से कहना है कि अपने घरों से बाहर निकल के कुछ ना कुछ छोटा व्यवसाय करते रहो। मैंने भी बहुत कुटीर उद्योग किए, बहुत काम किया। सेंटरिंग डली है, मतलब वीणा जी के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी। बिल्कुल। इंदौरी नर्मदीय महिला मंच बिल्कुल के रूप में भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल है और वो बहुत अच्छा कुशलता से ये कार्य कर रही है। जब से वो इंदौर इकाई की अध्यक्षा बनी है तब से बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और आशा जी का सपना हम सब मिलकर जरूर पूरा करेंगे।
क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ा सपना देखा था और इस सपने के लिए हम सारी बहनें मिल के काम करेंगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब बहनें घर से बाहर निकले और कुछ करें। भाभी ने नींव डाली है और आगे की जिम्मेदारी वीणा बेटी ने सौंपी है, उसके बाद हम उस नींव के पत्थर है और नींव के पत्थर के साथ साथ सब पिलर बन के खड़े हैं और आशा भाभी का सपना जरूर पूरा करेंगे और ये पूरा होगा, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा है और मन से सबका बहुत उत्साह है। देख लीजिए आज मौसम कैसा था, फिर भी किसी के उत्साह में कोई भी कमी नहीं आई है और कंटिन्यू अभी भी उतनी ही एनर्जी है। आप चाहे हमको 12 बजे तक खड़ा कर लीजिए, हम उसके लिए तैयार है बिल्कुल। उपलक्ष्य मैं सबको बधाई देते हुए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहती हूँ कि अहिल्या बाई और लक्ष्मी बाई ने इतिहास में दिखाया कि नारी शक्ति सब कुछ कर सकती है। आज भी प्रूफ हुआ नारी शक्ति सब कुछ कर सकती है और भविष्य में भी ये प्रूफ हो गया कि नारी शक्ति सब कुछ कर सकती है। नारी शक्ति की जय।